करना है दिन में 3:30 3:30 दोपहर जी सर 3:30 PM। जन्मस्थान क्या है तरुण जी आपका? जन्मस्थान कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान में आपका जन्म हुआ था जी सर। सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर शंकर जी से? जी सर, मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ सर। मेरी जॉब बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है सर। एक बार पहले भी जॉब से निकाला जा चुका हूँ, फिर प्रॉब्लम हो गई है, दोबारा निकालने की जरूरत आ गई है सर। उन्होंने नोटिस दे दिया ऑलरेडी जी कि आपको निकाला जा रहा है सर। मैं बहुत परेशान हूँ इस चक्कर में। आपको इनकी कंपनी में जहाँ काम करते हैं कहते हैं नोटिस मिल गया है? अभी तो बहुत टाइम खराब है, क्योंकि इनका शुक्र सूर्य मरकरी साथ में है और शुक्र रेट्रोग्रेड है, पीछे केतु है। तो केतु जब भी आएगा तो एकदम से आदमी को प्रॉब्लम कर देगा। थोड़ा सा आपको धीरज रखना पड़ेगा। आपको जॉब जो मिलेगा वो अक्टूबर के बाद ही, अक्टूबर 2009 के बाद मिलेगा, मगर निश्चय मिलेगा। जनवरी 2010 से आपका पीरियड अच्छा है, जॉब आपको अक्टूबर 2009 के बाद ही मिलेगा। मगर जब आपका शनि हमारा विरगो में आ जाएगा और शनि के ऊपर जाएगा तो आपको नया जॉब मिलेगा, क्योंकि मंगल भी है। तो आपको जितना अच्छा जॉब सोच रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, मगर 2010 जनवरी के बाद थोड़ी स्थिति ठीक होगी और एक और जॉब मिलेगा आपको। वो मिलेगा आपको 2010 के एंड में, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आप कुछ धारण करना चाहते हैं तो आप सूर्य और शनि, तो रूबी और नीलम, ये दोनों चीज धारण करिए, आपको उससे बहुत फायदा होगा। सूर्य को अर्घ दीजिए, अगर और कुछ नहीं कर सकते उससे भी बहुत फायदा होगा। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, इसी के साथ आप नीलम यानी कि ब्लू सफायर और माणिक्य यानी रूबी पहन सकते हैं और लगभग 1.5 वर्ष में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपके करियर में रहेंगे, लेकिन वर्ष 2010 का अंत होते होते आपका जो करियर है वो अच्छी दिशा में आगे बढ़ जाएगा। आपको अपने घर की स्थिति भी संभालना चाहिए, वो भी थोड़ी परेशानी होगी, फैमिली डोमेस्टिक लाइफ में भी थोड़ा सा। जी तरुण जी, आप हमारे साथ हैं? नहीं है। डॉक्टर शंकर जी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, वहां पर भी थोड़ा बहुत तनाव या किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति हो, उसको भी आप संतुलित करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम पुस्तक के बारे में जानना चाहेंगे, रिलेशनशिप, मैरिज, लव एंड सेक्स। सागर पब्लिकेशंस ने इसको प्रिंट किया और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका थोड़ा सा क्लोजअप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। इस पुस्तक में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहां जिसको हमने जो वैसे तो सारी बातें हमने ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जस्टिफाई की हैं, लेकिन जिन बातों में आपको भी आश्चर्य हुआ हो और लगा हो कि क्या क्या चीजें जिंदगी में घट सकती हैं सितारों के अनुसार? देखिए, रिलेशनशिप, लव और मैरिज में मतलब बेसिकली इट इज अबाउट मैरिज। जी, मैरिज के पहले लव होता है, मैरिज के बाद लव होगा। बिल्कुल। शादियां टूटती हैं जी, बच्चे और संबंध जी, जी। जायज या नाजायज? नाजायज जी। और नाजायज और जायज संबंध से जो उनकी परेशानियां होती हैं, ये चीज को इस किताब में विवरण करा हुआ है। तो जैसे एक लेडी के लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। जिस औरत का मंगल स्ट्रांग नहीं है, और अगर दूसरे प्लैनेट स्ट्रांग है तो वो उसको कंपनसेट कर देता है, बट जिनका भी मंगल नीच का होता है उन लेडीज को, देखिए जो डेस्टिनी में तो होता ही है, उन लेडीज को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हर लड़की का मंगल नीच हो खराब होगी, क्योंकि जिनका नीच मंगल होगा वो भावुक हो जाता है, और जो आदमी ज्यादा भावुक हो जाएगा या जिसमें नहीं करने की शक्ति नहीं रहेगी जी, वो फिर उसके लिए प्रॉब्लम होता है जी जी जी, उसको दिक्कत आती है संबंधों में, बाकी चीजों में। और अगर मंगल कहीं राहु से ग्रस्त हो गया और शनि से ग्रस्त हो गया तो फिर वो चाहे लड़की कितनी अच्छी हो, मगर अगर कोई आदमी कोई पीछे पड़ेगा उसके या बहुत हट करेगा तो दिल में कितनी, शी विल बी द राइट गर्ल, बट एक होता कि नहीं कर दो, भावुक होकर वो नहीं कर पाएंगे। जिनका मंगल नीच का है, राहु से एस्पेक्टेड है, शनि से भी एस्पेक्टेड हो, तो उन महिलाओं को अपने अगर पति किसी से भी दिखा लें, ये तीन चीज देख लेंगे, मंगल कैसा है, राहु और शनि से कोई रिलेशनशिप नहीं है और कोई अच्छा प्लान नहीं देख रहा, उनको अपने ऊपर शुरू से उनके माता पिता को थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजी का यही फायदा है कि भाई पता लग जाता है ये चीज हमारी कमजोरी है, और कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी। एस्ट्रोलॉजी में कहीं ये नहीं कहा कि आप कर्म नहीं कर सकते जी जी जी, क्योंकि आपकी जो पूरी डेस्टिनी है इट इज अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, इट इज गवर्न्ड बाय स्टार्स 25% जी, 25% बाय कहाँ रह रहे हैं, 25% कंपनी, 25% अपने खुद के कर्म जी। तो मैं मोटा मोटा बना रहा हूँ, ये हो सकता है जी जी, तो वो बहुत जरूरी है।
हमारी जिंदगी में संतुलन है सभी चीजों का, ग्रहों के प्रभावों का, हमारे कर्मों का, हमारे डिटर्मिनेशन का, हमारे संकल्प, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हम जहां रहते हैं और हम जो कुछ करते हैं उस सब से हम बनते हैं, और जब उससे हम बनते हैं तो उसका पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। उसके पीछे जो भी हम करते हैं ग्रहों का प्रभाव भी होता है, और जब हम कुछ कर लेते हैं तो उसका प्रभाव भी ग्रहों पर जाता है। ये रेसिप्रोकल सिस्टम है, ये टू वे ट्रैफिक है। आप कर्मों से अपने भाग्य को थोड़ा बेहतर भी बना सकते हैं, और जो भाग्य में बधा है उस कर्म को भी आपको भोगना ही होता है। डॉक्टर शंकर अडावल जी की ऐसी मान्यता है, ऐसा निचोड़ उन्होंने अभी बातचीत के दौरान उनका निकला है। अभी बहुत कुछ उनसे चर्चा बाकी है, बहुत सी चीजें उनसे जानेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सुरेंद्र जी रोहतक से। हेलो। हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाडी ज्योतिष में। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। उससे पहले मैं जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 20 सितंबर। 20 सितंबर, हाँ जी, 1965। 20th of September 1965। हाँ जी, 20 सितंबर 1965। समय बताइए सुरेंद्र जी। शाम के 6:11 सर। 6:11 PM। कहाँ पर जन्म हुआ था आपका? रोहतक में जी। रोहतक में ही जन्मे हैं। सवाल क्या जानना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, और एक लाइन के बारे में। एट प्रेजेंट मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ जी, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरे आगे और फ्यूचर क्या है, क्या कोई लाइन चेंजेस की है मेरे बाद। कुछ अनस्टेबिलिटी सी फील करता हूँ मैं फ्यूचर के बारे में। एक अस्थिरपना है, कहते हैं कि एक अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है, और ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। सरकारी जॉब में है सुरेंद्र जी, और पूछना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा, और क्या जो ये जॉब कर रहे हैं इनकी ठीक ठाक चलेगी जॉब? की जॉब अभी ठीक है, इसमें थोड़ी परेशानी आएगी आपको 6 महीने के लिए जी। ये आएगी आपके, अभी आजकल भी थोड़ी अस्थिरता होगी। अभी आजकल कैसा चल रहा है सुरेंद्र जी? अस्थिरता होगा, मई जून में रहेगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी थोड़ी अस्थिरता बनी हुई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी नहीं है, पहले रहा है ऐसा? नहीं, पहले भी नहीं रहा। अच्छा, लेकिन आपने खुद कहा है कि मैं जो है स्थिरता बनी रहती है कुछ ना कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अपने फ्यूचर को लेके कुछ वरिड था, जैसे दिमाग में आता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। अच्छा, और अच्छा, लाइन अच्छा, और मेरे लिए कोई लाइन बेहतर निकलती है? नहीं, देखिए आपका ये है कि आपका जो अभी समय जो आपका आ रहा है ये अक्टूबर 2009 के बाद, ठीक है ना, वो इतना अच्छा समय है अगले 2-2.5 साल के लिए कि आपके पिछले 15-20 साल में जो समय है उससे भी अच्छा समय है। जो आपका अभी समय आ रहा है अक्टूबर 2009 के बाद, उसमें आप कुछ कंप्यूटर या कुछ टेक्निकल लाइन में और आप थोड़ी सी अपना आपको सक्षम करेंगे, और 2010 जून के बाद आपका समय जो है वो बहुत अच्छा, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जहां तक आप अस्थिरता का सोचते हैं, वो क्योंकि आपका चंद्रमा कर्क का है इसीलिए प्रॉब्लम है, और आप एक मोती धारण करें आपको उससे फायदा होगा। और कुछ पूछना आपको? और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आगे? अभी कैसी है मैरिड लाइफ? आपके केतु आ गए शुक्र मंगल साथ में, तो मोटा मोटा तौर से आप मियां बीबी लड़ाई झगड़ा करके आर्ग्यूमेंट करते करते पूरी जिंदगी बिता लेंगे। तुम्हें से मोहब्बत, तुम्हें से लड़ाई, थोड़ी बहुत खटपट चलती रहेगी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन इस खटास और मिठास के बीच जिंदगी का जो सफर है वो चलता रहेगा। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और मोती आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, उससे आपकी मानसिक स्थिति है वो और ज्यादा बेहतर होगी, और जो एक हिडन एक आप किसी अज्ञात भय से ग्रस्त रहते हैं उससे भी आप बच सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, जो स्त्री है, एक स्त्री का जो चरित्र है, क्या उसकी कुंडली को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कितनी शीलवान है, कितनी गुणवान है, कितनी ये सौम्य है और अच्छी है, कुल को बढ़ाने वाली है, सबकी इज्जत और मान मर्यादा की रक्षा करने वाली है, या ऐसा नहीं है कि बीच चौराहे पे जो है वो मटकी जो है कहीं फोड़ देगी? ये पता किस ग्रह को देख करके हमें पता लग सकता है? नहीं, हम दो एक्सट्रीम्स को पता लगा सकते हैं। अब कोई स्त्री गुणवान है मगर उसमें ईगो बहुत है, तो आप शायद लोगों को पसंद ना आए। बिल्कुल, गुणवान सब है मगर अहम बहुत है जी, ठीक है। मगर एक औरत जो कि आप चरित्र के नजरिए से, सौम्यता के नजरिए से, थोड़ा ढलने के नजर से अगर वो देखें, तो जिस स्त्री के शुक्र को जी गुरु के साथ रिलेशनशिप होता है जी, जी, मतलब ये चीजें हैं जो कि बिल्कुल गलत होंगी नहीं। शुक्र का अगर गुरु के साथ कोई संबंध बनता है, सातवें घर से आगे पीछे पांचवें कहीं ना कहीं संबंध बनता है, वो स्त्री इज अ पर्सन जो कि जो आप जितने गुण बता रहे हैं उनमें से तीन, पांच में से तीन चार गुड़ जरूर होंगे, एंड इट इज वर्थ जी जी, मतलब वो उसमें है मतलब। जी क्या डॉक्टर साहब, एक बड़ी पुरानी एक प्रचलित एक वो है, सूक्ति है, एक कहावत है कि जहां
सुंदरता होती है, वहां बुद्धिमत्ता नहीं होती। बहुत खूबसूरत अगर महिला है तो उसमें दिमाग थोड़ा सा कम होगा, अमूनन मतलब ऐसी एक कहावत बड़े प्राचीन समय से चल रही। इसको आप एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपसे हम इसके बारे में मार्गदर्शन लेना चाहें, इसको पूछना चाहें, तो क्या ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो लोग कहते हैं कि भाई जो महिलाएं खूबसूरत नहीं है वो प्लेनों में चलती हैं, जो खूबसूरत है वो प्लेन सूरत क्या सीरत रोती है सूरत की कहावत नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है, ऐसा जनरलाइज तो नहीं हो सकता, जनरलाइज ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, यहाँ देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में जिसके पास बहुत संपत्ति होगी उनकी संतति में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा एक डिसबैलेंस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, बट एक जनरलाइजेशन आप नहीं, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। और पिछले दिनों ऐसा अगर हम देखें भी कि चाहे हम जो ऐश्वर्या राय बच्चन हो गई अब तो उनकी बात करें या सुष्मिता सेन की बात करें, ये ब्यूटी विद ब्रेन ही रही है, खूबसूरत भी रही है, अपनी बुद्धिमत्ता के नाते भी उन्होंने दुनिया को झुकाया है, उनको मनवाया है अपनी काबिलियत का लोहा। बहुत कुछ अभी जानेंगे संबंधों के बारे में, हमारी जिंदगी में आने वाले ग्रहों के बारे में, उन ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ता है, हमारे जीवन पर, विशेष रूप से हमारे चरित्र पर और हमारे कामकाज पर, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ी है देवसी। हेलो, हेलो देवसी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आप कहाँ से फोन कर रही हैं हमें? मैं देहरादून से बोल, देहरादून से कर रही हैं। अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, मेरा जन्म 7 नवंबर 1991 में हुआ है। 7th of November 1991। हाँ जी, और थर्सडे को 11:05 सुबह, 11:05 AM 7 नवंबर 1991 सुबह के 11:05। कहाँ पर जन्म हुआ आपका? पंजाब धूरी। पंजाब में जिला बताइए क्या पड़ता है? धूरी। धूरी, धूरी जी, धूरी। क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं पूछना चाहूंगी कि सर, मैं अभी इस टाइम फ्रैंकफिन का कोर्स कर रही हूँ, एयर होस्टेस का मेरा एम है, तो मैं जो कर रही हूँ मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी? एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, अभी किस चीज का कोर्स बताया आपने? टाइपिंग का? फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस अकेडमी से ट्रेनिंग। इनका तो देखिए जो पत्री है, इनका शनि और शुक्र दोनों में आपस में आमने सामने है जी, और शुक्र के आगे सूर्य, मून, जुपिटर, मरकरी, सन, मून, मरकरी तीनों साथ हैं, जुपिटर साथ में, तो ये निश्चय आप हवा में उड़ेंगी और एयर होस्टेस बनेंगी, और आप एयर होस्टेस बनिएगा करीब करीब जब आपका शनि मंगल के ऊपर से ट्रांजिट करके 2 साल बाद आपको एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, दो या ढाई साल बाद आपको एक अच्छा जॉब मिलने की संभावनाएं बन रही है देवसी। और किसी ने कहा है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आपके हुनर इस जमाने में बोले, आप अपने सपनों को पंख लगाकर आकाश में उड़ें और जो आप चाहती हैं वो जिंदगी में आपको हासिल हो सके, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप यदि अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की परेशानी से दो चार हो रहे हैं, कोई बात ऐसी है जिसमें आप ज्योतिष विज्ञान का परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी अभी स्टूडियो में विद्यमान हैं, आप उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए या तो कीजिए हमें टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका प्रश्न, आपका नाम, अभी भेजिए 57575 पर। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है connectingminds@gmail.com। भृगुनाड़ी ज्योतिष में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।